इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी गन्ना खरीद की कीमत बढ़ोतरी को लेकर उन्होंने बयान दिया है। गन्ना खरीद की कीमत बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है, प्रधानमंत्री की तरफ से ये बयान दिया गया। देश भर के अपने किसान भाई बहनों के कल्याण से जुड़े हर संकल्प को पूरा करने के लिए उनकी सरकार प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने ये पोस्ट किया है। लिखा है, इसी कड़ी में गन्ना खरीद की कीमत में ऐतिहासिक बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। इस कदम से हमारे करोड़ों गन्ना उत्पादक किसानों को लाभ होगा। कुछ देर पहले ही उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए ये संदेश दिया है। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता रविंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र, किसानों को एक बड़ा तोहफा और गन्ना खरीद को लेकर प्रधानमंत्री ने भी पोस्ट किया है। अजय, बिल्कुल, देखिए कल कैबिनेट की बैठक हुई और देर रात जो घोषणा हुई उसमें गन्ना किसानों को बड़ी राहत दी गई। उनकी जो उम्मीदें थी उससे ज्यादा सरकार ने दी है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प भी रहा है कि किसानों की आय को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए। और एक तरफ किसान आंदोलन चल रहा है और दूसरी तरफ मोदी सरकार ने गन्ना किसानों की जो मांग थी काफी दिनों से उसको पूरा किया है और उनके जो आय है उसको बढ़ाने के लिए, उनकी इनकम बढ़ाने के लिए भरपूर कोशिश की गई है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो पश्चिमी यूपी से, आप देख रहे थे कि पश्चिमी यूपी से राकेश टिकैत हो या फिर दूसरे लोग, वो भी इस आंदोलन में जुड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब कल के फैसले के बाद दो दिन के लिए टाला गया है दिल्ली मार्च को। ये जताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो काम है या उनके वायदे हैं या उनकी सरकार के जो फैसले हैं उस पर आज किसानों को पूरा भरोसा। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा कि किसानों के लिए उनकी सरकार हर समय काम में लगी हुई है, उनकी जितनी भलाई हो सकती है उनकी उसके लिए। ठीक रविंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो किसानों को लेकर एक बड़ी राहत यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से शेयर कर जानकारी भी दी गई है कि गन्ना खरीदी में जो बढ़ोतरी हुई है उसको लेकर प्रधानमंत्री के द्वारा ये जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी गई है और लगातार किसानों के लाभ के लिए काम कर रही है केंद्र सरकार, इस बात की भी जानकारी प्रधानमंत्री